हेलो गुड मॉर्निंग सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल राम की शिखा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और दिन है आज शुक्रवार और सभी लोग ड्यूटी जा चुके हैं। और आज बनाई मैंने गोभी, आलू की सब्जी, पालक की दाल और चावल। अभी जा रही हूँ ब्रश करने, अभी बहुत सारा काम बिखरा हुआ है, आज बहुत सारे कपड़े भी निकले हुए हैं और धूप खिल रही है तो भी जाऊंगी भी थोड़ी देर में गर्म पानी कर देने ताकि सारे कपड़े डाल दो, फूल जाने पे जल्दी कपड़े जल्दी धुल जाते हैं। और दादी हमारी लेटी हुई है, मेरा सुबह का नज़ारा, धूप अच्छी खासी खिली हुई हमारी गली में, अभी चहल पहल जू चाड़ चल चल रही है। और हम केले का पेड़ देखिए धूप में, वो भी क्या हुआ मुझे लगा पापा ड्यूटी चले गए, मैंने जाके देखा नहीं, शुगर का टेस्ट करवाने गए थे और मैंने सीधा जाके गेट खोल दिया, मुझे पता ही नहीं चला। और अभी मुझे ढेर सारे कपड़ों का दुकान दिखाई दे रहा है जो मुझे धोने हैं, और ये बहुत सारे कपड़े हैं। पापा चले जाते हो तो मैं ऊपर जाके लुकवा के आ जाऊंगी सारे कपड़े, इतने सारे कपड़े धोने अभी। और ये वॉशिंग मशीन है तो इसमें धुलूंगी नहीं, कि कुछ कपड़े ऐसे हैं जो धुलने वाले हैं नहीं और ख़राब हो जाते हैं ना उसमें, जैसे जैकेट वैकेट, ये जैकेट ख़राब हो जाएगी, पैंट वेंट के लोग टूट जाएंगे, तो मैं वॉशिंग मशीन से नहीं धोऊंगी। ऊपर गई थी और सारे कपड़े में डुबका करके आ गई थी, कुछ मैंने वॉशिंग मशीन में डाले और कुछ मैंने हाथ से ही धोने पड़े। और उस दिन जो मैंने फ्रेंड में छत पे गई थी और सारे कपड़े धो के आ गए, कुछ मैंने वॉशिंग मशीन में धोए और कुछ मैंने हाथ से ही धोए, क्योंकि कुछ कपड़े वॉशिंग मशीन में डालने वाले नहीं थे और कपड़े बहुत ज़्यादा थे तो मैंने उसमें वॉशिंग मशीन में कुछ रख दिया। और इस टाइम देखिए मैं अभी चाय रस खा रही हूँ, करीबन 12:30 बज गए और अभी कमरे का पूरा हुलिया बिगड़ा हुआ है, बेडशीट लगाना है मुझे, ये वाला लगाऊंगी क्योंकि वो वाला बेडशीट गंदा हो गया था, आज वो भी धो दिया मैंने। और सरस्वती पूजा आ रहा है तो थोड़ा सा घर की सफाई भी करनी है तो आज मुझे उसी में सारा दिन टाइम लग जाएगा। उस दिन मैंने जो गेहूँ धोया था ना वो करीबन 25 किलो के लगभग ही था, तो वो तुलवाया तो वो अभी पिसने के लिए नहीं दिया है, आज 5 किलो फिर मैंने उसे साफ किया, अभी बैठ के उसी में इतना टाइम लग। तो दोस्तों मैं नहा धोवा के आ चुके, मेरे सारे काम हो चुके हैं और देखिए कैसी लग रही हूँ मैं। कैसी लग रही हूँ मैं जरूर बताइएगा। चलते हैं छत पे, धूप अच्छी खासी आ रखी है, मैंने स्वेटर पहने की भी ठंड लग रही थी, अभी नहा के आई हूँ तो, और ये सब सूख रहे अभी और धूप अच्छी खासी आ रखी है। दोस्तों तो मैं यहाँ बना रही थी चाय और मेरी बड़ी ननद अभी आई है, और ये रही पहले मम्मी और आगे दीदी। हाय, कैसी
हो गाइस, मेरी भाभी को फॉलो करना, शेयर करना कमेंट में। और हो गई है शाम, तो बना रही थी चाय क्योंकि दीदी के आए हैं। दे तो मेरी चाय बन चुकी है और मैं लेकर के जा रही हूँ, चलते हैं ऊपर। ये मेरा कपड़ा है ना, थोड़ा फंसे जा रहा है। बस चाय लेके जा रही आ रही है। ये रही हमारी चाय और ये मेरी नाना जी के देवर, मेरी दीदी बैठी हुई है। तो गाइस आप सब भी चाय पी लीजिए ना। आज खाने बन जो ये नहीं खाते हैं प्लीज मेरी वीडियो को स्किप कर दीजिए, और जो खाते। तो टाटा बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं।